हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट देखी थे। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको पता है कि हम लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन की साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें ये पार्ट फोर है। पार्ट थर्ड, सेकंड और थर्ड पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम आरपीएससी ओल्ड पेपर का मतलब ये है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जो 2020 में अभी एग्जाम हुई थी, उसके जो हर पेपर में 15 पेपरों की परीक्षा हुई थी और हर पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, तो वो हम मतलब सब्जेक्ट वाइज हर वीडियो में एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं 30 क्वेश्चन को, और आप उससे अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरा, आपको अगर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा रिट के अंदर भी। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी सब्जेक्ट। ये देखिए आपके सामने बायोलॉजी सब्जेक्ट है 2018 और इसकी एग्ज़ाम हुई थी 7 जनवरी 2020 को। तो इसके जो 30 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, वो हम इसमें कवर करेंगे। और इसका आंसर है वो लगभग मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आरपीएससी ने इस आंसर की जारी की थी, जो आंसर माने थे ऑथेंटिक आंसर, तो आप विश्वास कर सकते हैं इस पर। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अनुकूलन क्षमता, उत्साह है, जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन में कमी, और संवेगात्मक समायोजन। तो दोस्तों, आपको साइकोलॉजी के मतलब क्वेश्चन, आप कोई भी सब्जेक्ट के आंसर दो या फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको आपका माइंड है वो एकदम सकारात्मक दिशा में ही लेके जाना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है बात कर रहा है, तो जीवन मूल्य और स्वयं के दर्शन में कमी ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हो जाएगा, ये नहीं होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, और सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन आप देखना हो जो कि समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं, संगठन तथा अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो पियाजी के अनुसार पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक कार्य विधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा संगठन और अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है, संगठन और अनुकूलन। पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, और असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 4, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना है, वो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। आपको पता है कि एक बालक है वो अधिगमकर्ता को जानना, मतलब अधिगमकर्ता का मतलब है कि जो सीख रहा है, मतलब बालक को जानना तो इसका होता ही है, और विषय वस्तु का चयन और उसका संगठन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, और सीखने की जो विधि, शिक्षण विधि हम काम में लेते हैं, उसके मतलब सलाह देना उससे संबंधित कि कौन सी उपयुक्त रहेगी और कौन सी अनुपयुक्त रहेगी एज के अनुसार, और बालक के जो ज्ञान के अनुसार है वो कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त रहती है, इसको जानने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित हैं, अधिगमकर्ता और शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण, ऑप्शन थर्ड है, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं, तो आपको पता है कि अधिगमकर्ता और शिक्षक तो होता ही होता है, और अधिगम अनुभव भी होते हैं, अधिगम प्रक्रिया भी होता है, और अधिगम वातावरण भी होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये पहले भी आया है, हमने अभी तक जो 3 पेपर सोल्व किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत से मतलब 50 से 60% क्वेश्चन आराम से रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि 1500-1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अभी तक आपको पता है कि लगभग फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है वो 2-3 बार हो चुकी है, सेकेंड ग्रेड है, उसके अलावा रीट भी है, KVS है, तो इन सब के जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चनों का, तो उनमें से आपको पता है कि आराम से आप 15 या 18% आराम से आ सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को पूछ रहा है,
शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्मिलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण और सामान्य या असामान्य प्रसव। तो दोस्तों इसमें बात ही कर रहा है शारीरिक विकास की, तो पुनर्मिलन का तो यहाँ पे कोई महत्व ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आराम से, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्मिलन, ये तो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो शारीरिक विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, और सभी विकल्प सही हैं। विकास की बात कर रहा है, विकास किस से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिपक्वता से। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड परिपक्वता से, विकास संबंधित है परिपक्वता से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। तो इसमें बात कर रहा है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है, पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नैतिक अधिकार, ये पियाजे के अनुसार विकास का स्तर नहीं है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों सत्य नहीं है, आप अंडरलाइन करके लिखना, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य। तो सत्य नहीं है मतलब असत्य पूछ रहा है। आई क्यू के विपरीत, सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है। मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है और संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं, दोस्तों ये कथन इसमें असत्य, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत। तो इसमें पूछ रहा है कि अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन पावलो के द्वारा दिया गया, प्रयास एवं त्रुटि थोंडाई के द्वारा दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन वो स्किनर का दिया हुआ है, ये अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत है, ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इसमें, अंतर्नोद न्यूनीकरण का सिद्धांत। फिर अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित है, और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें आप सबको बताया कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम जीवन पर्यंत भी चलता रहता है, और उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम बोलते हैं। तो इसमें सभी विकल्प हो जाएंगे सही, तो 102 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, सभी विकल्प सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, थोंडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम, और सभी विकल्प सही है। दोस्तों इसमें अधिगम का गौण नियम पूछ रहा है, गौण नियम, तो आपको पता है कि अधिगम का गौण नियम है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मनोवृत्ति का नियम। आपको पता है कि थोंडाइक महोदय ने तीन नियम तो मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और एक है प्रभाव का नियम। आपको पता है कि अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। तत्परता के नियम में एक ही मतलब छात्र को कोचिंग में दाखिला तो दिलाया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब तत्परता हमारी तैयारी, हमारा हम कितने मतलब लक्ष्य के प्रति हम कितने तत्पर हैं, ये चीज़ है तैयारी और तत्परता के नियम में। अभ्यास के नियम में ये है कि हम अगर किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हमारी मतलब मस्तिष्क में एकदम फिट बैठ जाएगा और हमें पूर्णतः उसका मतलब अधिगम हो जाएगा। फिर आता है प्रभाव का नियम, मतलब हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर देख के हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर कितना है, क्योंकि आपको इतना जितना ज़्यादा प्रभाव होगा उतनी ज़्यादा सफलता दिलाएगा वो। तो ये मनोवृत्ति का नियम है, ये गौण नियम है। अब थोंडाइक ने गौण नियम दिए थे पाँच और पाँच ही दिए थे अन्य नियम। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है समूहों का निर्माण, मित्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना और उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की ये सभी अवस्थाएं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों असत्य की बात हो रही है, कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम ऊपर ऊपर से मतलब ये कहते हैं ना ऊपर ऊपर से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, तो एकदम से इसके अंदर कोई बात मतलब पूछी नहीं गई है एक तरीके से। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है, शिक्षा मनोविज्ञान वो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर बात आते हैं आगे,
निम्नलिखित में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संरचना विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये सभी विकल्प सही हैं, सभी प्रणाली उपागम के सोपान है। प्रणाली विश्लेषण भी होता है, प्रणाली की संरचना और विकास भी है, और प्रणाली संचालन और मूल्यांकन, ये सभी प्रणाली उपागम के सोपान होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य की बात कर रहा है। कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। सर्वदृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण है। सर्वदृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देते हैं, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपको पता है असत्य बात बोल रहा है, असत्य। तो सर्वदृश्य सामग्रियाँ वो अंतरण की संभावना ज़्यादा करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों जितनी ज़्यादा हम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वो अधिगम भी हम उतना ही ज़्यादा करवा पाएंगे। तो ये है अधिगम अंतरण की संभावना को ज़्यादा करते हैं शिक्षण सर्वदृश्य सामग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, ये गलत हो जाएगी, असत्य बात है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? अधिगम अभिक्रम लेखक या प्रोग्रामर, कंप्यूटर अभियंता, प्रणाली संचालक, और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ये सभी विकल्प सही हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर अभियंता की, और प्रणाली संचालक, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान चिंतन स्तर का है, मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का है, हंट का शिक्षण प्रतिमान स्मृति स्तर का, मतलब सभी शिक्षण प्रतिमान है वो तीन ही प्रतिमान है, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, ये तीनों ही इसमें पूछ लिया। मतलब एक तरीके से कि मतलब सब आए तो ही सही कर पाएंगे हम। तो इसमें दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इन तीनों में से कौन सा सतन मतलब कथन है वो सत्य है, या उपरोक्त सभी, या सभी कथन है वो सत्य है, ये बात इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान है ये बोध स्तर का होता है, ये बात इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 2। आपको पता होना चाहिए कि अर्बर्ट मोदे ने तो स्मृति स्तर दिया था और हंट ने चिंतन दिया था, ये उल्टा दे रखा है इसमें। तो आप ये मतलब रीट की दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर्बर्ट ने दिया था स्मृति, ये उल्टा दे रखा है। हर्बर्ट का तो आएगा स्मृति स्तर, और हंट का आएगा चिंतन स्तर, और मॉरिसन का होगा बोध स्तर, ये तीन स्तर हैं शिक्षण प्रतिमान। तो आप याद रख लेना एकदम से, मॉरिसन का बोध, हर्बर्ट का स्मृति, और हंट का चिंतन, हंट चिंतन, ये तरह से हंट चिंतन, हंट चिंतन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उच्च परिधि नहीं है? प्रश्नीकरण, वाद विवाद, सम्मेलन और कार्यशाला। इसमें पूछ रहा है कि उच्च परिधि नहीं है, तो दोस्तों प्रश्नीकरण है ये उच्च परिधि के अंदर नहीं आता है, प्रश्नीकरण ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रश्नीकरण। वाद विवाद, कार्यशाला और सम्मेलन है ये उच्च परिधि में आते हैं, और प्रश्नीकरण है वो उच्च परिधि में नहीं आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है, निर्देशात्मक दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग, और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहे कि दूरदर्शन का प्रयोग कौन से रूप में किया जा सकता है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग। फिर बात करते हैं आगे, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1961 में, नवंबर 1962 में, अगस्त 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में शैक्षिक दूरदर्शन है वो कब प्रारंभ हुआ था, बेसिकली ये क्वेश्चन है ये। तो ये होगा अगस्त 1984 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत है, शैक्षिक दूरदर्शन, नोट दूरदर्शन की बात नहीं है यहाँ पे, शैक्षिक दूरदर्शन की बात है कि भारत में शैक्षिक दूरदर्शन है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो अगस्त 1984 में, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, अगस्त 1984 में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, अधिगम की उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, ये बात इसमें बिल्कुल गलत है कि अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई मतलब भूमिका नहीं है, और अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य है वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, कि क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि अधिगमकर्ता मतलब बालक का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा तभी वो अधिगम कर पाएगा, और विषय वस्तु की प्रकृति भी अधिगम को प्रभावित करती है, कि कोई विषय वस्तु की प्रकृति अगर सरल है तो वो जल्दी समझ में आएगी, जल्दी याद हो जाएगी, जल्दी उसका अधिगम हो जाएगा, और कठिन है तो उसको बार बार हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसका, तब जाकर वो समझ में आती है। और अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा का भूमिका होती है, ये कथन इसमें गलत है कि भूमिका नहीं होती। फिर बात करते हैं आगे, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है
क्रियात्मक अवस्था, विलोमयता की प्रक्रिया, अंत प्रज्ञा काल और पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो इसमें ब्रूनर के अनुसार बोल रहा है, ब्रूनर के विकास में क्रियात्मक अवस्था शामिल होती है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था प्याजे वाला और अब आया ब्रूनर वाला। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में है क्रियात्मक अवस्था सम्मिलित होती है। फिर आता है मैकडूगल के अनुसार निम्न में जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग में सही है। मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, एक मूल प्रवृत्ति है एक तरफ और संवेग पूछ रहा है। मूल प्रवृत्ति संबंधित कौन सा संवेग है या कौन से संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है, ये बात इसमें पूछ रहा है। तो आपको बताया कि मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और संवेग बताए थे उनसे संबंधित। तो इसमें कौन सा सत्य है ये बात बोल रहा है। तो प्लाइन का हवस, जिज्ञासा का प्रेम, निर्माण का भूख और हास्य का मनोरंजन। दोस्तों अब ये मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि हास्य से मनोरंजन होता है, ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, हास्य मनोरंजन। तो अब बाकी के भी हम देख लेते हैं। प्लायन मूल प्रवृत्ति है वो संवेग होता है भय, भय संवेग से प्लायन करते हैं हम वहाँ से। जिज्ञासा, अब जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, अब जिज्ञासा का संवेग का वो प्रेम नहीं होता है, जिज्ञासा होती है आश्चर्य, आश्चर्य संवेग तब मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है। अब संवेग दे रखा है भूख, अब भूख से निर्माण नहीं होता है, भूख से होता है भोजनान्वेषण, भूख से हम भोजन को देखते हैं मतलब भोजन की खोज करते हैं। तो मूल प्रवृत्ति होती है भोजनान्वेषण, भूख से भोजनान्वेषण। और सबसे ज़्यादा एक मतलब अलग ही है और तो हम देखते हैं फिर मतलब समझ जाते हैं, जैसे हास्य का मनोरंजन हो गया, भूख से भोजनान्वेषण होता है, लेकिन एक क्रोध की युद्धसा, क्रोध युयुत्सा मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति कौन सी है, क्रोध संवेग से है, तो मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, युयुत्सा। फिर बात करते हैं आगे, निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत की बात कर रहा है, जीवन स्पेस, वेक्टर एम वेलेंस, टोपोलॉजी और सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सभी विकल्प ये सही हैं। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है, जीवन स्पेस, वेक्टर और वेलेंस और टोपोलॉजी ये सभी क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होते हैं, लेविन के जो क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ है उसके अंदर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। संतुलित एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास, नियमित दिनचर्या, वास्तविकता की अस्वीकृति और आत्म मूल्यांकन की क्षमता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मतलब लक्षण नहीं है ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वास्तविकता की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण, संज्ञानात्मक कार्यविधि, संगठन, कोई विकल्प सही नहीं है। तो अनुकूलन की बात कर रहा है, अनुकूलन के अंदर कौन सम्मिलित होता है, आत्मसात्करण और समविष्टिकरण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुकूलन के अंतर्गत होता है आत्मसात्करण एवं समाविष्टिकरण। दोस्तों ये प्याजे की जो मतलब आप ये शब्द लोग प्याजे के अनुसार 8-10 शब्द दिए थे, स्कीमा है, अनुकूलन है, आत्मसात्करण है, संगठन है या स्कीमा, ये सब हैं। इसका एक मतलब छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे ताकि ये इससे संबंधित पेजे से संबंधित तो एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आने वाले हैं। आप तो कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सीटेट देख लो या रीट देख लो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, पेजे से संबंधित एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। तो इसकी जो ये प्रश्नावली मान लो या इसके जो शब्द मान लो, ये 7-8 शब्द हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका एक वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे हमारे चैनल पर। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन, संवेग की विशेषता है संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता और सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों संवेगों की विशेषता पूछ रहा है इसमें, तो विचार प्रक्रिया का कार्य न करना 119 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। विचार प्रक्रिया का कार्य न करना संवेग की विशेषता है। निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है, निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप, अभिप्रेरणा, अधिगम, वृद्धि एवं विकास और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप है वो वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है, वृद्धि और विकास, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको डेली का एक वीडियो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और कोई नया क्वेश्चन है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण सफलता दिलाएगा। थैंक यू।